अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज हमारी मोबाइल फ्लैशिंग की ये छठी वीडियो है। तो आज हमारी वीडियो जो है वो CM2 यानी इन्फेंट्री CM2 MT2 टूल पर है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये किन किन मॉडल को सपोर्ट करती है और इस पर वर्क कैसे किया जाता है। तो दोस्तों जिन भाइयों ने पिछली 5 वीडियो नहीं देखी तो नीचे वो है, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, तो आपने उन्हें भी देख लेना है जो नए आने वाले दोस्त हैं। तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल फ्यूचर रिपेयरिंग लैब को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मैं रोज़ाना की बुनियाद पर अपलोड करता रहता हूं, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक जो है वो पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने काम की तरफ। और डोंगल को जो है आपने पीसी के साथ कनेक्ट कर लेना है और टूल को जो है वो ओपन कर लेना है। तो दोस्तों टूल ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो एक अहम चीज़ एक जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नंबर वन, ये दोस्तों ये वाला टूल सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल के लिए इस्तेमाल होगा, जिनके अंदर जो है MTK जो है CPU होगा, सिर्फ ये उन्हीं मोबाइल पर वर्क करता है MTK CPU के लिए। सबसे पहली बात ये आप ये कंफर्म कर लें कि ये सिर्फ MTK CPU के लिए इस्तेमाल होता है ये वाला मोबाइल। और उसके बाद दोस्तों दूसरी बात कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, यानी कि मॉडल सेलेक्ट करके यूज़ करेंगे या अनसेलेक्ट भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्त हम इस बार पर आएंगे। तो पहले इन्होंने दिया हुआ है फाइल, CPU एक्स्ट्रा और सेटिंग, तो इसको आप एक दफ़ा छोड़ दें। और नीचे आएंगे हम जो है वो इस टैब पर, यानी कि मेन टैब पर हम आएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हमें अगर हम यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बहुत से मॉडल जो है वो कंपनीज के जो है ऐड किए हुए हैं, अल्काटेल ठीक है, BQ, कैट और सभी जो है हवावे, इन्फिनिक्स, लावा, लिनोवो, तो इसके अलावा टेक्नो, ओप्पो, मोटो ठीक है ना, ये सभी वीवो, विंको, ZTE, ये सभी मॉडल इसमें जो है वो ऐड किए हुए हैं। तो इसमें एक चीज़ दोस्तों और कि इसमें जो नई अपडेट आती है, मिसाल के तौर पर हम इसमें कोई मोबाइल जो है वो अटैच करते हैं। हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर हमने वीवो जो है वो सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर वीवो के इन्होंने कितने मॉडल दिए, दो, यानी V5 और Y83। तो अभी हम करेंगे कि इसमें जो है वो बूट फाइल अगर ऐड करेंगे तो जो न्यू मॉडल इन्होंने ऐड किया होगा तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। उस पर मैंने आपको बताया कि ये दोनों टूल जब जो है दोनों हो जाएंगे, यानी कि MTK वाला हमने उस पर वीडियो बना दी है, अभी MT2 पर आज बना रहे हैं, तो इसके बाद इनकी बूट फाइल पर ही वीडियो होगी। यानी कि इसमें जो मॉडल जिनको ये सपोर्ट नहीं करते, नीचे जो है वो बूट एरर आ जाता है, तो वह उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे इस पर वीडियो बनाएंगे। तो अभी आपने करना क्या है कि यहाँ पर आपने जो मॉडल आपको यहाँ पर सपोर्ट है, मोटो की जो भी मॉडल को आपकी सपोर्ट है, तो आप क्या करेंगे कि उस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे कि यानी कि आपके पास ब्रांड ओप्पो का है, आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे कि आपके पास F3 है, A3 है, F5 है, यानी कौन सा मॉडल है आपके पास। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इस पर आगे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन से मॉडल सपोर्ट हैं, और उनके अलावा भी हम इसमें जो है वो DA फाइल लगा के भी हम जो है इसे जो है वो फ्लैश यानी कि रीसेट वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे उन्होंने जो है ये दिया हुआ है DA फाइल के लिए ठीक है, तो ये वाली टैब में आप DA फाइल जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
तो यानी कि जिन मॉडल की ये खुद ब खुद अब अगर हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर बता देगा कि ये DA फाइल से ही होगा। इसके बाद दोस्तों आता है दूसरी फाइल जो साइड पर आता है आइडेंटिफाई, यानी कि इस पर हम क्लिक करके ये चेक कर सकते हैं। और सबसे पहले जो आपने करना भी ये जो भी मोबाइल आपके पास आता है तो आपने उसे आइडेंटिफाई लाजमी कर लेना है। ये नहीं कि आपने उसे लगाया और फॉर्मेट करना शुरू कर दिया या FRP खोलना शुरू कर दिया, तो ऐसे नहीं करना। सबसे जो प्रोफेशनल तरीका होता है वो यही है कि आप जो है पहले आइडेंटिफाई करें, चेक करें कि ये टूल जो है उस मॉडल को सपोर्ट करता है या कि नहीं करता, ठीक है ना। ये आपने आइडेंटिफाई लाजमी कर लेना। और इसके बाद ऑप्शन दिया और यहाँ पर प्री लोडर बोरन ओनली या बोथ B+P, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने DA टाइप भी इस पर जो है यहाँ पर DA टाइप दिया हुआ है, और इसके बाद वो जो है वो पोर्ट मोड दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेक बैकअप भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आगे आता है फ्लैश का। तो मेन प्लेटफॉर्म के बाद ऑप्शन आता है दूसरा जो है इसका डिब्बा है वो फ्लैश का। तो फ्लैश पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो फ्लैश सेलेक्टर जो है वो सेक्टर फाइल है। तो अगर तो हम यहाँ पर जो है वो फाइल को बाहर से उठाकर क्लिक करके यहाँ पर भी ला सकते हैं, और यहाँ पर जो है वो फाइल पूरी शो हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्लिक करके जो है वो फ्लैश कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या आप कर सकते हैं कि इसमें SP अनलॉक कर सकते हैं, इसका रीसेट रीस्टोर या सिम लॉक कर सकते हैं यहाँ पर, और रीड NVRAM कर सकते हैं, राइट NVRAM कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो आता है इसका पाँचवें नंबर पर जो आता है यहाँ पर रिपेयर बेस बैंड जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इस यहाँ पर भी आप जो है वो रिपेयर सिक्योरिटी कर सकते हैं इस ऑप्शन पे। और इससे आगे आता है दोस्तों सर्विस। तो ये इसका जो है वो इंतहाई अहम, यानी कि ये वाला टैब अहम है, ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, ज़्यादा हमारे इस्तेमाल में आने वाला है ये टैब आता है। तो यहाँ पर क्या है रीसेट सेटिंग फॉर्मेट। तो यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फुल फैक्ट्री V+FRP, यानी कि इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा आपका डाटा भी जो है वो कट जाएगा और FRP भी इसका रिमूव हो जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों आता है फैक्ट्री रीसेट वीप, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ जस्ट जो है वो आपका जो अगर स्क्रीन लॉक लगा हुआ है, पैटर्न लॉक लगा हुआ है, तो यहाँ पर कट हो जाएगा और इसका जो है वो डाटा जो है वो जो है आपकी मेमोरी जो है वो फुल जो है ये क्लीन कर देगा। लेकिन यहाँ पर आपका FRP जो है वो अगर मोबाइल पर जो है FRP प्रोटेक्शन ऑन होती है तो वो FRP इससे जो है वो नहीं जो है वो उतरेगा। और आगे आता है FRP, यानी कि अगर आप जो है किसी मोबाइल पहले ही आपका मोबाइल जो है वो हार्ड रीसेट हुआ हुआ हो या रीसेट करने के बाद जो है उसे FRP लगा हुआ हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर क्लिक करके आप जो है वो इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप हमने सेलेक्ट कर लिया FRP यानी रीसेट प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे और मोबाइल को अटैच कर देंगे। और इसके बाद आता है फोर्स यूज़र फॉर्मेट, यानी कि किसी चीज़ को जो है हम जो है वो एक कहते हैं कि सख्ती के साथ हम किसी चीज़ को कुछ ऐसे इसमें CPU होते हैं जैसे F1S है ओप्पो का, तो उसको अगर हम यहाँ पर रीसेट करते हैं, उसे फॉर्मेट करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है फुल फैक्ट्री V+FRP पर भी क्लिक करते हैं तो वो ये नहीं उससे फॉर्मेट होता, इससे भी फैक्ट्री रीसेट से भी नहीं होता, वीप से भी नहीं होता। और क्या होता है हम जब इस पर जो है वो अप्लाई करते हैं फोर्स यूज़र जो है वो फॉर्मेट करते हैं, तो क्या होता है कि वो उसे फिर जो है वो जो एक जो है वो सख्ती के साथ उसको फॉर्मेट कर देता है। तो ये होता है कि यहाँ पर जो कुछ मॉडलों पर ये जो है वो यूज़ होता है। उसके बाद होता है फुल फैक्ट्री Force+FRP, यानी कि आप FRP भी जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। Force+X फॉर्मेट भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बहुत ही अच्छे जो है वो फीचर हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस टूल की जो है पूरी तरीके से वो समझ आ चुकी होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं लगी, किसी चीज़ में आपको कोई जो है वो दुश्वारी पेश आ रही है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो गाइड करने की फुल जो है वो कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आपने दुआओं में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।